राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। डेंगू के मामले में रोज इजाफा हो रहा है। ताजा रिपोर्ट की माने तो पूरे बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या 900 के पार हो चुकी है। वहीं राजधानी पटना में मरीजों की संख्या 308 हो गई है। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि डेंगू मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में दवा, ब्लड, प्लेटलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था है। उसके लिए तैयारी पूरी है हम लोगों की, स्वास्थ्य विभाग की और अस्पतालों की, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो पानी नहीं जमा होने दें। सामान्यतः साफ पानी जहां जमा होता है हफ्ता भर दो चार दिन, उसी में ये पनपता है, चाहे कूलर का हो, एसी का हो या अन्य जगहों पर हो, टूटे बर्तन में हो। तो उसको लेकर के हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि लोग जो है पानी अपने आसपास घरों में जमा नहीं होने दें। कहीं अगर है इस प्रकार का जमा हो जाता है उसको साफ करें, और तो उसमें मिट्टी का तेल डालें ताकि वो डेंगू के मच्छर जो हैं वो नहीं पनपेंगे उसमें। और बाकी इलाज की पूरी व्यवस्था है सभी अस्पतालों में है हम लोगों के, और ब्लड की, प्लेटलेट्स की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की जांच में भी बढ़ोतरी हुई है। पटना के गार्डिनर अस्पताल में भी मरीज जांच के लिए पहुंच रहे हैं। तो वही डेंगू को लेकर गार्डिनर अस्पताल के अधीक्षक मनोज सिन्हा ने कहा कि हर बरसात के बाद ऐसी स्थिति आती है जब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती है, तभी 10 दिनों तक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। डॉक्टर ने मरीजों को पैनिक न होने का निर्देश दिया, साथ ही कहा गलत जगह मरीज जांच से बचे, साथ ही बुखार आने न दें। देखिए डेंगू का जहाँ तक ये बात है, ये यूजुअली हर साल ये होता है प्रॉब्लम, जब भी बारिश होता है पानी इकट्ठा होता है। एक नेचुरल साइकिल है ये डेंगू मच्छर का, कि ये हर बार बारिश के मौसम के बाद होता है, ऑफकोर्स कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन अभी भी बहुत पैनिकी सिचुएशन नहीं है। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और ये 10-15 दिन अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि बारिश का पानी जो इकट्ठा हुआ है जहाँ जहाँ भी ये मॉस्किटो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन पैनिक इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्लेटलेट का जो गिरावट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। और दूसरा कि जो सिम्टम्स भी आ रहे हैं वो यूजुअली 2-3 दिन 4 दिन होते होते अपने आप सबसाइड कर जा रहा है। तो इसीलिए ध्यान देने की ज़रूरत है, केयरफुल रहना है, लेकिन बहुत पैनिक ही नहीं करना है। प्लेटलेट के लिए बहुत बहुत चिंतित मत होइए। हाँ, प्लेटलेट के लिए हम तभी परेशानी होती है कि अगर आपका प्लेटलेट जो है बहुत नीचे 20,000-15,000 के आसपास जाने लगे, तो निश्चित रूप से किसी अच्छे लैब से अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि कई बार हो रहा है कि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होने के कारण भी फॉल्स रिपोर्टिंग हो रहा है। और कई बार डेंगू जो पॉजिटिव नहीं है वो बाहर टेस्ट कर रहे हैं, NS1 पॉजिटिव दिखा करके और उसको लोग कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंटर बनाए गए हैं आपके टेस्टिंग के लिए, जिसमें कि मेरा भी हॉस्पिटल, वहाँ पर आके टेस्टिंग कराएं। अगर वहाँ पर पॉजिटिव आता है तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ही अपना मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन इसमें कुछ खास नहीं है, 2 चीज़ पे ध्यान देना है कि बुखार मेरा कम रहे, पारासीटामोल कार्बोजोल लेते रहें और हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी खूब पिए, फ्रूट लें, फ्रूट जूस लें, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है डिहाइड्रेशन से ही। अगर डिहाइड्रेशन को हम लोग ठीक ठाक रखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में डेंगू का डंक अब डराने वाला है। अगर जिलावर बात करें तो पटना में 308, भागलपुर में 168, मुंगेर में 9, नालंदा में 10, नवादा में 10, वैशाली में 40, जहानाबाद में 3, गया में 47, पूर्वी चंपारण में 18, मुजफ्फरपुर में 27, गोपालगंज में 1, सिवान में 5 मरीजों की संख्या है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।